तो आपको बता दें, यूक्रेन को रूस किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसके लिए पुतिन की सेना साम दाम दंड भेद की नीति पर आगे बढ़ रही है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के बेटे ने मारियोपोल में मोर्चा संभाल लिया है। और सवाल अब ये उठता है कि क्या यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए कादिरव अपने बेटों की जिंदगी का दांव लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही रोज पहले ये रमजान कादिरव ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो अपने तीनों नाबालिग बेटों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं।